साथ मैं बाहर ट्रैवल कर रही थी ऑफिशियली, और हमने उसी दिन सुओमोटो लिया जैसे ही मैंने ये सोशल मीडिया पे पढ़ा और पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। मैं क्लोजली वॉच कर रही थी, ट्वीट्स पे भी मैं स्वाति जी को कह रही थी कि आप बाहर आएं और कंप्लेंट करें। मुझे लगता है वो ट्रॉमेटाइज थी, क्योंकि अपने ही लीडर के घर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरह से मार पिटाई होगी, वो भी एक एमपी की, राज्यसभा एमपी की, जो हमेशा खुद महिलाओं की बात उठाती रही हैं। हमारे चाहे कितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ। इसीलिए मैंने ट्वीट पे कहा कि आई एम विद यू, यू कम आउट एंड कंप्लेन। काफी मुझे लगता है सोचने के बाद, या जब उनको लगा होगा कि वो बात कर सकती हैं, तो कल पुलिस से भी कंप्लेंट की और एफआईआर रजिस्टर हो गई है। आज मुझे पता चला है, कल कमिश्नर से ही पता चल गया था कि एफआईआर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट आ गई है। हमारे पास एटीआर भी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और चार्जेस भी उन्होंने मेंशन किए हैं। इसमें एफआईआर नंबर 277/2024 यूएस 308/341/354B 306/309 आईपीसी, ये सारे चार्जेस के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज हुई है। और आज मेरे ख्याल वो मेडिकल के लिए भी लेके गए हैं। मैं बात करने की कोशिश में करूंगी, थोड़ा ठीक हो जाए तो आई विल पर्सनली मीट स्वाति एंड आस्क अबाउट हर वेलफेयर। आई होप शी इज फाइन, बेटर नाउ, बट आई थिंक इट विल टेक हर टाइम टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। और मैं समझ सकती हूँ, बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरी है, फिजिकल एंड मेंटल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा।